व्हाट्सअप माई यूट्यूब फॉलो, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज भी काफ़ी दमादार मसालेदार टेक न्यूज़। तो टेक न्यूज़ को मिस बिल्कुल ही मत करना क्योंकि आज की टेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में कीजिएगा, अपने दोस्तों को तो लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करा तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा आपको बोर ना कराते हुए चले आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो का ये नया स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर, जो है वीवो Y73। इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है डॉलर के वो है $315। अगर ये प्राइस पाकिस्तान रुपये से कन्वर्ट करके बताऊँ तो आपको तकरीबन 50,000 रुपये का स्मार्टफोन पड़ने वाला है अगर स्मार्टफोन पाकिस्तान में आता है इसी प्राइस के साथ। तो बात करें स्मार्टफोन की स्पेस की, यहाँ आपको 6.45 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जहाँ आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिलेगी। 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मीडियाटेक हीलियो G95 का प्रोसेसर मिलेगा। 8GB प्लस 3GB रैम देखने को मिलेगी, यानी जो वीवो की नई टेक्नोलॉजी है एक्सटेंडेड रैम वाली वो आपको देखने को मिलेगी स्मार्टफोन में। 128GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। 4000 की बैटरी देखने को मिलेगी। फ्रंट के ऊपर 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा और बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा जहां आपको 64MP का मेन कैमरा, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का आपको माइक्रो कैमरा मिलेगा। इस स्मार्टफोन की स्पेस को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए लगता है ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में जल्द से लॉन्च होगा। मे बी पाकिस्तान में अगर स्मार्टफोन लॉन्च हो तो तकरीबन 40,000 से 35,000 में लॉन्च हो सकता है। फिलहाल ये मेरा ओपिनियन है, फिलहाल आप क्या सोचते हैं स्मार्टफोन की स्पेस और प्राइस देखते हुए मुझे कमेंट करना चाहते हो लाजमी करेगा इस स्मार्टफोन के बारे में। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे पास वन प्लस की तरफ से। वन प्लस का मिड रेंज किलर स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, जो है वन प्लस नोट सी 5G स्मार्टफोन जो यूरोप में लॉन्च हुआ है। अभी तक आपको YouTube के ऊपर इसकी अनबॉक्सिंग या रिव्यू आपको देखने को मिल चुका है, अगर नहीं मिले तो ये टेक न्यूज़ सुन लीजिए, आपको तफसीली पता चल जाएगा स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बात करें स्मार्टफोन की स्पेस की, यहाँ आपको 6.4 इंच का फुल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आपको 98 का सपोर्ट मिलेगा, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी। स्नैपड्रैगन 750G 5G वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है और गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर माना जा रहा है। यहाँ आपको 12GB रैम 256GB का हाई स्टोरेज वेरियंट भी देखने को मिलने वाला है। फिलहाल जो कम स्टोरेज वेरियंट है वो 6GB रैम 128GB और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज भी मौजूद है यहाँ पे। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा आपको वन प्लस नोट सी 5G के अंदर। 64MP का मेन कैमरा होगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का डेप्थ सेंसर होगा। कैमरा काफ़ी फंटास्टिक होने वाला है, वन प्लस पे क्लेम भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। फ्रंट के ऊपर 16MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो काफ़ी अच्छी बात है और 30W का वाप चार्ज टेक्नोलॉजी जो वन प्लस की है वो आपको देखने को मिलेगी। 6GB 128GB 8GB 128GB और 12GB 256GB आपको देखने को मिलेगी स्मार्टफोन की। प्राइस की बात करूँ तो इंडिया के लिए तकरीबन जो 6GB रैम 128GB वाला वो तकरीबन 23,000 का होगा, वही पाकिस्तान तकरीबन 45,000 to 50,000 का हो सकता है। फिलहाल इस स्मार्टफोन यानी इस वेरिएंट की जो प्राइस ऑफिशियल रिवील नहीं करी यूरोप के लिए, मे बी यूरोप में लॉन्च भी ना हो। फिलहाल 8GB रैम 128GB इसकी प्राइस है यूरोप के तकरीबन 329 यूरो, इसकी प्राइस तकरीबन पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ तो तकरीबन 65,000 बनती है। और जो 12GB रैम 256GB वाला वेरियंट होगा जो तकरीबन 400 यूरो का होगा, उसकी प्राइस तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन 80,000 बनती है। पाकिस्तान में वन प्लस ऑफिशियली आ चुका है तो देखना है स्मार्टफोन काफ़ी जल्दी पाकिस्तान मार्केट में आता है या फिर लेट आता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करना। फिलहाल अगर कोई इंडिया का मेरा दोस्त देख रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट लाजमी कर देना, कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा और लाइक कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे पास रियलमी की। रियलमी का स्मार्टफोन जिसका मॉडल नंबर है RMX3366, ये स्मार्टफोन नज़र आ है टीना सर्टिफिकेट के ऊपर, यानी स्मार्टफोन काफ़ी जल्दी 1.5 महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है। काफ़ी लोग तो रियलमी 9 प्रो का तस्वूर दे रहे हैं अभी से इसको, फिलहाल मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी स्मार्टफोन की कुछ इमेजेस की जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, सारे स्मार्टफोन की थोड़ी बहुत की स्पेस भी रिवील करी गई हैं, जिससे 4500 की बैटरी होगी, 65W का आपको चार्ज देखने को मिलेगा और 5G रेडी स्मार्टफोन होगा। कौन सा प्रोसेसर होगा वो नहीं बताया गया। फिलहाल लगता है कि इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 या फिर 1100 वाला प्रोसेसर हो सकता है, इस तरह के रूमर भी निकल के सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखना ये भी होगा कि रियलमी का ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा
तो कहाँ कैसे किस जगह लॉन्च होगा और ये ऑफिशियल स्टोरेज और जो स्पेस होगी वो क्या क्या होने वाली है। फिलहाल मुझे लगता है रियलमी 9 प्रो या 9 सीरीज नहीं हो सकती। फिलहाल आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करना चाहें तो लाजमी करेगा इस स्मार्टफोन के बारे में। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है फेसबुक के चाहने वालों के लिए। अगर आप फेसबुक के चाहने वाले हैं और अगर आप फेसबुक के दीवाने हैं और फेसबुक के लिए पागल हैं तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि फेसबुक लॉन्च करने वाला है अपनी पहली स्मार्ट वॉच जिसके अंदर आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, यानी फ्रंट के ऊपर भी कैमरा मिलेगा और बैक के ऊपर भी कैमरा देखने को मिलेगा। अभी किस तरह पॉसिबल होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल ये स्मार्ट वॉच तकरीबन समर के जो 2022 के समर आएगा यानी गर्मी आएंगी उसमें लॉन्च होता आपको नज़र आने वाला है। फिलहाल देखना है कि ये जो स्मार्ट वॉचेस होगी फेसबुक की, इसकी प्राइवेसी हमारे पास होगी या फिर फेसबुक के पास होगी, क्योंकि फेसबुक का तो एक क्राइटेरिया बन गया है कि जिसका चाहे जैसा चाहे डेटा निकालो और बेचो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट कर देना इसके बारे में। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे पास Honor की तरफ से। Honor 50 Pro ये तो स्मार्टफोन का एंटीटू स्कोर निकल के सामने आ चुका है। काफ़ी टाइम पहले निकल के आया था, सोचा कि कवर नहीं करूँ, फिलहाल सोचा आज कवर ही कर देता हूँ क्योंकि टेक्निक थोड़ी बहुत कम थी मेरे पास। बात की स्मार्टफोन की स्पेस की वो भी रिवील हो चुकी है। इसके साथ साथ सबसे पहले बात करूँ एंटीटू स्कोर की, यहाँ आपको 5,25,904 का एंटीट्यू स्कोर देखने को मिल जाता है। 8GB रैम 256GB का बेस्ट स्टोरेज वेरियंट मिलेगा, इस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है। एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आपको अलग से डिस्कस करूँगा। यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 778G 5G वाला प्रोसेसर मिलेगा। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एंड्रॉइड 11 मेंशन करा गया है यहाँ पे। आपको बताया चलूँ एंड्रॉइड 11 मेंशन करा गया है, मतलब इसमें गूगल की सर्विस चलने वाली है। इस तरह के रूमर जो निकल के आ रहे थे वो हकीकत में हो सकते हैं। तो कुछ टाइम पहले Honor के जो CEO हैं उन्होंने ये कहा था कि हम सोच रहे हैं कि गूगल के साथ वापसी पार्टनरशिप करी जाए और Huawei के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ी जाए, क्योंकि Huawei के जो स्मार्टफोन है उसमें हारमनी OS यूज़ कर रहा है, पर गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो एंड्रॉयड के सपोर्ट वाले स्मार्टफोन में यूज़ करा जाने वाला है। तो देखना है कि जो Honor 50 सीरीज लॉन्च होगी उसमें आपको गूगल की सर्विस मिलेगी या फिर Huawei का आपका अपना बनाया गया हारमनी OS आपको देखने को मिलेगा। जो भी होगा जैसा भी होगा मैं तो बैठा हूँ आपको बताने के लिए, तो स्टे ट्यून रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करना अगर न्यूज़ मिस नहीं करना चाहते तो। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन की स्पेस लीक हो चुकी हैं। स्पेस बिल्कुल सेम टू सेम होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी A32 की तरह ही। बात की स्मार्टफोन की स्पेस की, यहाँ आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिलेगा, 6000 की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, 4GB 64GB और 6GB रैम 128GB के दो स्टोरेज वेरिएंट मिलेंगे। बैक के ऊपर टेबल कैमरा सेटअप होगा, 48MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5MP का पोर्ट्रेट मोड और डेप्थ सेंसर वाला कैमरा होगा। फ्रंट के ऊपर 20MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। ये स्मार्टफोन की स्पेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है सैमसंग गैलेक्सी A32 की तरह ही। फिलहाल देखना है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन लॉन्च होगा नहीं होगा, फिलहाल इंडिया में तो लाजमी लॉन्च होगा। किस प्राइस में लॉन्च होगा वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है अभी। हो सकता है ये इंडियन मार्केट तकरीबन में भी देखें 12,000 से 15,000 में लॉन्च हो और पाकिस्तानी मार्केट तकरीबन 35,000 to 45,000 में लॉन्च हो सकता है। फिलहाल इसके ऊपर मेरी तो ये राय है, फिलहाल आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करेंगे तो पता चलेगा। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे पास सैमसंग की तरफ से ही। सैमसंग गैलेक्सी S20 फैशन एडिशन, ये स्मार्टफोन जून के महीने में या फिर जुलाई के स्टार्ट या फिर अगस्त के महीने में लॉन्च होगा, इस तरह के रूमर निकल गए हैं। फिलहाल अभी के लिए स्मार्टफोन का गीगबेंच स्कोर निकल के सामने आ चुका है। गीगबेंच स्कोर क्या है वो आपको सबसे पहले बता दूँ, सिंगल कोर स्कोर है 592 और मल्टी कोर स्कोर है 2610। इस स्मार्टफोन में दो स्टोरेज वेरियंट होंगे, एक 6GB रैम और एक 8GB रैम वाला, और ये कहा जा रहा है स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले टाइम के रूमर्स और लीक्स बताई देंगी। फिलहाल मुझे लगता है ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा दमदार होने वाला है, क्योंकि पिछला जो सैमसंग गैलेक्सी S20 फैशन एडिशन था वो 2020 में जिस तरह की हाइप और अपनी वैल्यू छोड़ के गया है ना, तो मुझे लगता है कि ये भी सेम टू सेम होने वाला है S20 फैशन एडिशन की तरह ही। फिलहाल मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। फिलहाल इतना ही कह सकते हो, ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा दमदार और क्लासिक होने वाला है और प्राइस में भी थोड़ा बहुत कम होने वाला है। तो इतना ही था आज की टेक न्यूज़ के अंदर। उम्मीद करता हूँ टेक न्यूज़ आपको अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ लाजमी शेयर कीजिएगा
और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह ही आपके लिए डेली टेक न्यूज़ लेके आता रहता हूँ पूरी दुनिया भर से। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। जब तक एक ही बात कहूँगा, दुनिया में जहाँ रहो खुश रहो, बात रहो और अपने वालदैन का एहतराम बहुत ज़रूरी करो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।